डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रहा है। और ये जो बिसवा रेलवे स्टेशन है, ये पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। तो देख सकते हैं, ये बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया है बिसवा रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। और यहाँ पर जो डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से किया जा रहा है। हम आपको अभी अंदर चलकर, स्टेशन के अंदर चलकर सब कुछ दिखाएंगे। लगभग ओवरऑल व्यू रहेगा स्टेशन का। और यहाँ से थोड़ा सा नज़ारा देखिएगा, ये स्टेशन के बाहर का नज़ारा। आगे मैं आप लोगों को और जानकारी दूँ, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए या पुराने हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए और कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो ये हैं लारे भाई, जिन्होंने बिसवा रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाकर भेजा है, ओवरऑल व्यू, और दिखाया है कि यहाँ पर कितना काम हो चुका है। लारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द वीडियो ऑफ बिसवा रेलवे स्टेशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में भी आपके द्वारा बिसवा रेलवे स्टेशन का अपडेट दे सकूंगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर अभी एक ही प्लेटफॉर्म है बिसवा रेलवे स्टेशन पर, और ये बुड़वल की दिशा में जा रहा है रूट। और यहाँ से देखिए, सीट बेंचेस वगैरह लगी हुई हैं। तो जैसा कि बिसवा रेलवे स्टेशन लगभग सीतापुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है बुड़वल दिशा की रूट, और यहाँ पर लगभग 3 और नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। बीच वाली तो मेन लाइन हो गई, और सामने जो आप देख सकते रहे हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। अभी हम आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का नज़ारा बिल्कुल करीब से दिखाएंगे। तो एक अप लाइन के लिए मेन लाइन हो जाएगी और दूसरी डाउन लाइन के लिए मेन लाइन हो जाएगी। तो जो डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो पूरा बुड़वल से लेकर वाया सीतापुर होते हुए रोज़ा तक किया जाना है, और लगभग 181 किलोमीटर की कुल दूरी है बुड़वल से लेकर रोज़ा जंक्शन तक। तो जो डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है इस रूट पर बखूबी अंजाम दिया जा रहा है, और अब रफ्तार भी काफ़ी तेज़ हो गई है पहले के मुकाबले। पहले धीमे धीमे काम चल रहा था, लेकिन अब काम की रफ्तार बढ़ गई है। सामने देख सकते हैं ढेर सारे स्लीपर रखे हुए हैं डबलिंग के लिए, और चूंकि आप लोगों को पता ही है कि ये रूट पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड है, अभी सिंगल रूट है, सिंगल लाइन है, तो इलेक्ट्रिफाइड है। आने वाले समय में डबलिंग का भी काम चल रहा है और इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम चल रहा है। और इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो बुड़वल की दिशा से भी शुरू हो चुका है और रोज़ा जंक्शन की दिशा से भी शुरू हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ सामने क्रॉसिंग है, और ये देखिए यहाँ पर नया केबिन बनाया जा रहा है, और जो पुराना केबिन है इसको तोड़ दिया जाएगा। और चूंकि यहाँ से रेल लाइन डबलिंग की निकाली जाएगी, इसी वजह से यहाँ पर ये नया केबिन बनाया गया है। और चूंकि ये क्रॉसिंग है, इसी वजह से यहाँ पर एक गेटमैन भी रखा जाएगा जो गेट को खोलने और बंद करने का काम करेगा। थोड़ा सा नज़र यहाँ से भी डाल लीजिएगा, देखिएगा। तो हमने जैसा कि आप लोगों को बताया कि बहुत बड़ा स्टेशन बनने वाला है, एक तरह से 4 प्लेटफॉर्म का बिसवा रेलवे स्टेशन, और 3 प्लेटफॉर्म और बनाए जाने हैं, तीनों अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो देख सकते हैं प्लेटफॉर्म 2 और 3, स्टेशन पर फिलहाल 3 ट्रैक हैं, और जैसे यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4 बन जाएंगे तो 2 ट्रैक का निर्माण और हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 5 ट्रैक हो जाएंगे यहाँ पर। अप लाइन के लिए अलग एक रन थ्रू लाइन रहेगी, डाउन लाइन के लिए एक रन थ्रू लाइन अलग रहेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हिस्सों में अभी मिट्टी भी पटान पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। सामने भी देख सकते हैं स्लीपर रखा हुआ है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, तो अभी मिट्टी पटान का काम है। आगे प्लेटफॉर्म पे हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर काफ़ी हद तक मिट्टी पटान का काम कर लिया गया है, लेकिन अभी यहाँ नहीं किया गया है। और जैसा कि लारे भाई का कहना है कि यहाँ पर हाई लेवल के प्लेटफॉर्म रहेंगे, और चूंकि बरसात का मौसम भी चल रहा है इस वजह से जो काम है वो मिट्टी पटान का वो धीमी चल रहा है। और आप मान के चलिए 15-20 दिन बाद जब लगभग बरसात का मौसम ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर और भी काम की रफ्तार है वो तेज़ हो जाएगी। और देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के किनारे हम चल रहे हैं अभी इस समय। तो एक तरह से कहा जाए बुड़वल से रोज़ा के बीच में वाया सीतापुर, जो जितने भी रेलवे स्टेशन पड़ते हैं उन सब की तस्वीर बदलने वाली है, और यहाँ पर बिसवा रेलवे स्टेशन पर भी तस्वीर बदलने वाली है। आप यहाँ पर रखे हुए रॉ मटेरियल के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये देखिए पानी का भराव भी है, और इसी वजह से जो काम है अभी वो मिट्टी पटान वाला वो रोका गया है। जब मैंने आप लोगों को बुड़वल सीतापुर रूट का डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट दिया था, 2 बार दे चुका हूँ,
तो उस समय कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी, लेकिन अब काम में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल रही है इस बार। तो यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से मिट्टी पटान का जो काम है वो थोड़ा काफ़ी हद तक कर लिया गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, और यहाँ पर भी 2 ट्रैक रहेंगे तो टोटल 5 ट्रैक हो जाएंगे एक तरह से। और यहाँ पर चूंकि एक मेन लाइन भी बनाई जाएगी, ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है तो ये भी एक रन थ्रू लाइन रहेगी डबल लाइन के लिए। एक तो मेन लाइन उधर बनी हुई है, दूसरी ये रन थ्रू लाइन एक ये रहेगी। तो फ्रेंड्स ये था बिस्वा रेलवे स्टेशन से पार्ट 1 का अपडेट। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन के काम से संबंधित कितना अभी काम हुआ है, और अभी पार्ट 2 का अपडेट भी बहुत जल्द आने वाला है जिसमें मैं आप लोगों को डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन की जानकारी दूंगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।